बारहवीं कक्षा में 69% अंक प्राप्त करने के बावजूद कीर्ति यादव नाम की छात्रा परिवार की आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहती है। आईएएस बनने का सपना देखने वाली होनहार छात्रा का कहना है कि मजदूर पिता की कमाई से ठीक से घर नहीं चल पाता है, ऐसे में वो उसके आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे। अगर उसे सरकार से मदद मिल जाए तो वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएगी, वरना मजबूरी में उसे अपने आईएएस बनने के सपने को आर्थिक मजबूरी की वजह से आंखों में ही दफन करना पड़ेगा। मैंने अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टेमरबीटा से कक्षा 12वीं पास की है। मेरे परसेंटेज भी अच्छे हैं, 79% से पास हुई हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी मैंने 12th क्लास पास की, अब आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सहायताएँ प्राप्त हो जाएँ जिससे मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हम लोग मुझे पढ़ा नहीं सकते, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि अभी मेरे पास कुछ ऐसी सहायता मतलब है नहीं कि मैं आगे पढ़ सकूँ। सरकार से कुछ मुझे सहायता प्राप्त हो जाए तो मैं आगे पढ़ूँ। मैं अभी तो बीएससी कर रही हूँ, इसके बाद आईएएस बनना चाहती हूँ। अभी मैंने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा है और कुछ नहीं किया है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बिना पैसों को कुछ, अगर कलेक्टर साहब से अगर मुझे कुछ सहायता प्राप्त होती है तो मैं आगे पढ़ाई करूँगी, नहीं तो फिर मुझे पढ़ाई मजबूरन छोड़नी पड़ेगी। जिला कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी से मदद की गुहार लगाने पहुंची कीर्ति यादव को कलेक्टर ने पढ़ाई नहीं छोड़ने की समझाइश देते हुए पढ़ाई जारी रखने के लिए हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। मामले में जिला कलेक्टर का कहना है कि छात्रा कीर्ति यादव होनार छात्रा है और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था, जिसे समझाइश देते हुए हर तरह की मदद सरकारी योजनाओं के माध्यम से या जन भागीदारी के माध्यम से दी जाएगी। कीर्ति के अलावा 2 अन्य गरीब छात्राओं को भी मदद दी जाएगी। बिल्कुल, उसने मन पढ़ाई छोड़ने का बना लिया था, जबकि बच्ची जो है मेरिटोरियस है और 70+ उसके मार्किंग भी है और उसका भविष्य अच्छा बने, कैरियर भी अच्छा हो जाए, इसके लिए हमने उसको पूरी तरह से मदद देने के लिए, मानवीय मदद देने के लिए कहा है। आज प्राचार्य को भी हम इस संबंध में एक पत्र भेज रहे हैं और उसको यदि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की ज़रूरत है पढ़ने के लिए तो हम उसको भरपूर भविष्य में मदद करेंगे और वो बच्ची हमारे पास आती रहेगी, हम उसको भरपूर मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज कम से कम 3 बच्चियां हमारे पास आई, आज के दिन में जन सुनवाई में 3 इस प्रकार की बच्चियां आई जो कि पढ़ने में असमर्थ हैं, तो उन तीनों लड़कियों को हमने पढ़ाने के लिए आज जो है मदद देने का आश्वासन दिया है और हम किसी न किसी शासकीय योजना से जोड़ करके, और यदि किसी शासकीय योजना से नहीं जोड़ता है तो हम जन भागीदारी के माध्यम से इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं, जो खर्चा आएगा उसको व्यय किया जाएगा। जबलपुर के पूर्व कलेक्टर शिवनारायण रूपला के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीब निर्धन होनार छात्र छात्राओं की पढ़ाई में मदद कर शिवनारायण रूपला की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारी मदद मिलने से कीर्ति यादव जैसी होनार छात्राओं को गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी और वो इस सरकारी मदद के सहारे अपने परिवार का सहारा बनने के साथ ही अपना सपना भी पूरा कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, जबलपुर।